राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? मौसम तो सुहाना हो गया है बारिश के बाद। मौसम विभाग वाले बता रहे थे कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम चुगल किशोरी विभाग वाले आपको बता रहे हैं कि भले ही बाहर का मौसम एकदम चकाचक रहे, लेकिन अनुपमा के घर का तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। चा हाउस में वैसे तो खुशी का माहौल है, लेकिन बा और राखी ने तापमान बढ़ा रखा है। अरे भाई, बात बात पर दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं। पहले राखी पुराने कंगन को लेकर तमाशा करती है, फिर बा राखी को जहरीली नागिन कहकर आग में घी डालने वाला काम करती है। बा कहती है कि बेबी को अपने जैसा बनाने की दुआ मत करना। बस दोनों इसी बात पर बिल्लियों की तरह लड़ पड़ती हैं। लेकिन वाकई राखी अपना असली रंग तो तब दिखाती है जब गोद भराई की रस्म पूरी हो जाती है। वो अकेले में बरखा से मिलती है और कहती है कि उससे कुछ बात करनी है। दोनों के चेहरे के रंग से पता चल जाता है कि कुछ तो बड़ा कांड करने वाली है। बरखा पहले से ही अनुपमा को एक आंख नहीं देखती, ऊपर से अब राखी उसके कानों में जहर घोलने का काम कर रही है और कहती है कि तुम्हारा देवर अपनी बीवी के पीछे पागल है। अब पागल तो हमारा अभिमन्यु भी हो गया है अक्षरा के पीछे। इतने दिनों बाद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की वजह से अभिमन्यु चला जाता है और बात अधूरी रह जाती है। हम तो बहुत खुश हैं कि भाई दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये अब आरोही को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों को साथ देखकर उसका तो खून आधा हो गया है। वहीं लूथरा हाउस में अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। अरे, अर्जुन ने रास्ता ढूंढ लिया है लूथरा हाउस में घुसने का। वो करण के बैट और ग्लव्स खरीदने के बहाने प्रीता तक पहुँचना चाहता है। अब देखो वो नीलामी समारोह में नया क्या करता है। हमको तो लग रहा है कि अर्जुन का बैट बल्ला खरीदने के बहाने प्रीता को ना मार डाले। उसके इरादे हमको ठीक नहीं लगते हैं। चलो दोस्तों, इरादे तो मौसम के भी हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कब बरस जाए। अरे, छत पर हमने मिर्च रखी थी धूप लगाने के लिए, हम जरा उसको उतार लाते हैं। ठीक है, राम राम।